नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी सरगम चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज को वीडियो में हम देखेंगे जर्मन जुबिलेट हारमोनियम, पेरिस रीड हारमोनियम और देसी रीड हारमोनियम तीनों को। इस वीडियो में आवाज़ भी सुनेंगे और उनकी रीड की क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। बाकी जर्मन रीड हारमोनियम आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला हारमोनियम है। ये जर्मन रीड का हारमोनियम है। इसकी रीडों की जो क्वालिटी देखिए, कितनी सुंदर क्वालिटी है। ये रही रीड की क्वालिटी, ऐसे लगती है जैसे आज ही एक नया हारमोनियम लाके उसकी हारमोनियम की रीड की फ़ोटो खींची। ये कम से कम 50-60 साल पुराना हारमोनियम है। बिल्कुल चमचमा रही है इसकी रीडें और इसकी आवाज़ भी सुन, बारी बारी से तीनों की आवाज़ सुनेंगे। जर्मन जुबिलेट हारमोनियम की रीडें हैं और इनमें सिर्फ दो रीडें आगे पीछे की जो दूसरी लगी हुई है, तो बड़ा प्यारा हारमोनियम है। एक बार इसकी थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं, बाद में वीडियो को अंत तक देखें और भी आवाज़ सुनेंगे। देखिए इसकी कितनी प्यारी आवाज़ है। अब सुनते हैं आवाज़, देसी रीड का मेल मेल हारमोनियम है और इसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। कई पुराने बाजे बड़े अच्छी सुरीली आवाज़ के हैं। सुनते हैं देसी रीड का हारमोनियम। ये देसी रीड का पुराना हारमोनियम है। इसकी बॉडी लकड़ी इतनी अच्छी है और इसको ध्यान से रखा गया कि हारमोनियम नया जैसा बिल्कुल लग रहा है। इसका सिर्फ पर्दे को रिपेयर किया है, बाकी बिल्कुल पुराना ओरिजिनल हारमोनियम है। और देसी रीड भी बड़ी अच्छी और सुरीली आवाज़ निकालती है। अब देखते हैं पेरिस रीड का हारमोनियम। पेरिस रीड भी दुर्लभ रीडों में से है। आजकल इनके भी नए हारमोनियम नहीं मिल रहे, बल्कि पेरिस रीड में भी आवाज़ में एक अच्छी क्वालिटी होती है। इसका हारमोनियम भी बड़ी मधुर आवाज़ निकालता है। पेरिस रीड के हारमोनियम की रीडों में सिर्फ एक रीड पे लिखा हुआ था है पेरिस, बाकी रीडों पे नाम नहीं लिखा हुआ है। उस पे सिर्फ नोट्स के नाम लिखे हुए होते हैं। फिर भी अगर अपन जर्मन जुबिलेट के बाद में मेरा पसंदीदा हारमोनियम पेरिस रीड का हारमोनियम है। देखते हैं, इसकी आवाज़ भी सुनने में बड़ी प्यारी लगती है और अच्छा हारमोनियम है ये। आइए इस हारमोनियम को अपन खोल के देखते हैं। Thank you.
तो हमने पेरिस रीड के हारमोनियम को खोल लिया है। इनकी रीडों की भी क्वालिटी अच्छी होती है। बाकी जर्मन रीड के हारमोनियम जैसी गोलाई ली हुई और हर रीड पे नाम लिखा हुआ इसके नहीं होता है। ये देखिए, ये पेरिस रीड का हारमोनियम है। सिर्फ इसकी एक रीड के ऊपर, जो पहली वाली ये दिख रही है, इसके ऊपर एक पेरिस रीड नाम लिखा हुआ है। तो ये पेरिस का बाजा हो गया। पहले ये भी खूब चलता था और इसकी रीडों की भी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये पेरिस रीड का हारमोनियम भी अपन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा, तीनों ही हारमोनियम एकदम सुरीले हैं और बड़े प्यारे हारमोनियम है। कृपया कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इनमें से कौन से हारमोनियम की आवाज़ अच्छी लगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद। मैं इसी तरह के वीडियो और डालता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।